दिस इज सुमन, वेलकम टू माय चैनल द राइडर्स डायरी। सो आज डे टू है, अभी हम लोग गैंगटॉक में हैं। अभी बज रहे सुबह के 7:20। सो हम लोग निकलेंगे अभी रुमटेक के लिए और उसके बाद हम लोग रावंगला जाएंगे। तो द प्लान इज लाइक आज हम लोग रुमटेक मॉनेस्ट्री जाएंगे पहले, उसके बाद रावंगला में हम लोग का होम स्टे लिया हुआ है, तो वहाँ पर बैग रख के फिर हम लोग रावंगला के आसपास थोड़ा घूमेंगे। सो निकलते हैं। अभी तो ब्रेकफास्ट आ चुका है, मैं ब्रेकफास्ट खाऊंगा और बाइक में सामान लगा के निकल जाऊंगा। और आज सुबह से बहुत ज़्यादा क्लाउड था, इसलिए 6:30 की जगह पे आज अभी 7:30 बजे हम निकलेंगे। तो निकल के बाइक पर जाऊंगा। सुबह सुबह चाय और ब्रेड खा के हम निकलेंगे गैंगटॉक से और फिर आगे अगर कुछ मिला तो खाएंगे। सो अभी रुमटेक मॉनेस्ट्री के लिए थोड़ा ट्रेक करना पड़ रहा है, कैसे कैसे तो चला के आया मैं। अभी सांस फूल रहा है, ऊपर जाके मैं अपडेट दे रहा हूँ कि रास्ता कैसा था एंड ऑल। अभी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट और चलना पड़ेगा। हाय गाइस, सो हम लोग गैंगटॉक से निकले थे सुबह 7:30 बजे और अभी बज रहे हैं 9 और हम लोग पहुँच चुके हैं रुमटेक मॉनेस्ट्री। मेरे पीछे रुमटेक मॉनेस्ट्री है। सो अराउंड 35 किलोमीटर था, 1.5 घंटा लगा। रास्ता बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो चला के कुछ भी करके आ गया हूँ। बहुत ज़्यादा मड एंड बहुत ज़्यादा पानी था रास्ते में। सो दिस इज़ रुमटेक मॉनेस्ट्री। इसको यहाँ पे लोग धर्मचक्र सेंटर भी बोलते हैं। बहुत पीसफुल जगह है और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वीडियो करेंगे, उसके बाद निकल के हम लोग रावंगला के लिए चलेंगे। सो आप देखो पीछे रुमटेक मॉनेस्ट्री। बाय। ज़्यादा रास्ता ख़राब है यहाँ पे, जस्ट पत्थर दिया हुआ है और पूरा मड है यहाँ पे। चलाने में तो बहुत दिक्कत हो गई है भाई। तो अभी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर बाकी है रावंगला से। तो बहुत भूख लग गया था, तो मैं यहाँ पे एक होटल लैंडस्केप बोल के एक है वहाँ पे थोड़ा मैगी वैगी खाया और अभी निकलेंगे कुछ देर में। अभी भी पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा है रास्ता। वॉच आउट, यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ लग रहा है आपको। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है कि रास्ता पूरा ख़राब है यहाँ पे और गाड़ी का चक्का सब फंस रहा है। मेरे आगे 3 गाड़ी पूरा फंसा हुआ है, छोटा गाड़ी नहीं निकल पा रहा है और मैं ऐसे जगह पे फंसा हूँ, मैं ना पीछे जा पाऊँगा ना आगे। तो देखते हैं, अगर रास्ता थोड़ा खाली होता है तो मैं निकलता हूँ।
पानी बह रहा है यहाँ पे। अभी भी हम लोग रावंगला की तरफ है और यहाँ पे एक गाड़ी पूरा फंसा हुआ है, पूरा फंस गया है टाटा सुमो यहाँ पे, एंड सब लोग कोशिश कर रहे हो टाटा सुमो को निकालने का। ये लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं गाड़ी को निकालने का। तो इस बीन 15 मिनट्स से 20 मिनट्स हो गए गाड़ी फंसा हुआ है, एंड दे आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे सो दैट गाड़ी को निकाल पाए। मैं भी फंसा हूँ, जब तक गाड़ी नहीं निकलेगा मैं भी नहीं पहुँच पाऊँगा। अभी भी यहाँ से 30 किलोमीटर है रावंगला, सो देखते कब तक निकलता है गाड़ी। तो आपने रास्ता तो देख ही लिया, कहीं पे मर्ड कहीं पे पानी, सब कुछ भरा हुआ था रास्ते पे, तो खुद भी करके लेके आया हूँ गाड़ी ऊपर तक। अभी भी रास्ता आगे भी थोड़ा ख़राब है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे वाला रोड देखिए, मेरा वाला पीछे वाला रोड भी थोड़ा पूरा मर्ड है। और जो मैंने अभी फुटेज में दिखाया उसमें तो बहुत कम ही रास्ता मैंने दिखाया, मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर रहा था, रास्ते पर कॉन्सनट्रेट कर रहा था। तो मानसून में ऐसा ही होता है सिक्किम के इस साइड का, मोस्ट ऑफ द सिक्किम के मतलब कोई भी पहाड़ी इलाका में रास्ता ऐसा ही होता है, थोड़ा मड एंड पानी तो रहेगा ही। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल्सो कि ऐसे ही रहेगा। एक जगह पे गाड़ी, मेरा गाड़ी नहीं, एक टाटा सुमो फंस गया था, तो वो जो मैंने फुटेज में अभी दिखाया कुछ देर पहले, तो वहाँ पे अराउंड 15-20 मिनट में हॉल्ट किया था। उसके बाद अभी चलते हैं रावंगला, इसके बाद शायद मैं डायरेक्ट रावंगला जाके वीडियो करूँगा, ब्लॉग करूँगा। सो बाय बाय। हाय गाइस, सो अभी तक रावंगला नहीं पहुंचा मैं फ़िलहाल, तो एक लेफ्ट टर्न लेके मैं तेमिटी गार्डन आ चुका हूँ। वंडरफुल प्लेस और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत शांत लग रहा है। तो अभी कुछ देर में यहाँ पे बैठाऊँगा अराउंड 10-15 मिनट, उसके बाद मैं रावंगला के लिए जाऊँगा। रावंगला यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 20-25 किलोमीटर है यहाँ से रावंगला। थोड़ी देर में निकलूँगा, अभी यहाँ से मैं थोड़ा चाय वगैरह पीऊँगा क्योंकि टी गार्डन है तो चाय पीना तो बनता है यहाँ पे, तो चाय पियेंगे उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे रावंगला। मैंने ऑलरेडी होटल वाले को कॉल कर दिया है, तो वो लोग लंच बना के रखेंगे, तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठते हैं शांत और थोड़ा टाइम लैप्स लेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। सो बाय बाय। सो अभी जस्ट मैं रावंगला पहुंचा कुछ देर पहले, अराउंड 15-20 मिनट्स पहले मैं रावंगला पहुंचा। और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये प्लेस है बुद्धा पार्क, जो एकदम रावंगला के बीचों बीच आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, एकदम पीसफुल जगह है। आप आओ यहाँ पे बैठे रहो और कुछ मत करो, जस्ट बैठे रहो और इन्जॉय द व्यू, इन्जॉय द साइलेंस, बहुत ही अच्छा जगह है। और ये 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो इफ़ यू आर कमिंग टू दिस प्लेस कम बिफोर 5:30 और सुबह 9 बजे खुलता है। इफ़ यू आस्क मी आई सजेस्ट आप शाम के टाइम पे मतलब 4-5 बजे के बाद आओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, धूप उतना नहीं है। और अभी जो मानसून में आया हूँ तो पूरा क्लाउडी है, जैसे ऊपर पूरा बुद्ध जी के ऊपर पूरा क्लाउडी क्लाउड है, तो अच्छा लगा आज यहाँ पे
बहुत ज़्यादा हेक्टिक राइड था आज, बट अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जो पूरा दिन का थकान था, आज यहाँ पे आके पूरा लग रहा है कि कोई थकान ही नहीं है। सो बहुत अच्छा जगह है, और इसका एंट्री में 50 rupees करके लगता है। बाकी आप बैग्स हेलमेट वगैरह आप ऊपर रख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी ऊपर जाते हैं, अच्छा लगा यहाँ पे आके। चलो बाय बाय। अभी रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज गए हैं, एंड मैं अराउंड 6:30 को होम स्टे पहुँच गया था। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बारिश हो रहा है, और अभी मैं फ्रेश फ्रेश होकर आया हूँ तो अच्छा फील कर रहा हूँ। तो अबाउट द राइड, ऑलरेडी आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, तो रास्ता तो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा था, बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा मट था, बहुत ज़्यादा एडवेंचर बोल सकता हूँ मैं आज का राइड। एंड रूमटेक मॉनेस्ट्री एंड टेमिटी गार्डन का व्यू लाजवाब। शाम हो गया तो इसलिए मैंने होमस्टे का वीडियो नहीं कर पाया। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। सो बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी। बाय बाय।